सुनते कानों को देखते आंखों को आज का दिन मुबारक हो। तो आज मैं पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए एक न्यूज़ लेके आया हूँ और वो न्यूज़ ये है कि रीज़न ऑफ रिजेक्टिंग वीज़ा, आइदर इट्स योर विजिट वीज़ा और आइदर इट्स योर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। तो मेन रीज़न क्या है रिजेक्ट होने का, और मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। प्लीज़ मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि अब वीज़ा रिजेक्शन की रेशो कितनी ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा क्यों है। तो बात करते हैं जी पाकिस्तान नेशनल्स के लिए आजकल बहुत ही प्रॉब्लम बनी हुई है कि आपको वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं, लेकिन इसका मेन बिहाइंड जो रीज़न है वो कोई नहीं बता रहा। लेकिन अब इसका मेन बिहाइंड जो रीज़न है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये रिसेंटली ही अनाउंस किया गया है और इसको पब्लिश किया गया है। तो भाइयों और बहनों मेरी बात सुने, अगर आपको यूएई का वीज़ा चाहिए, यूएई के अलावा भी शेंजन और यूएस का वीज़ा चाहिए या आपको किसी भी कंट्री का वीज़ा चाहिए, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके वीज़े रिजेक्ट क्यों होते हैं। अब 2024 में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जितनी भी वेल नोन कंट्रीज़ हैं, अब ये वीज़ा जो हैं ये सर्च नहीं करते, चीज़ों को देखते नहीं हैं, पेपर वर्क पे नहीं जाते हैं। इनके पास सब की सब चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिक सिस्टम में मौजूद होती हैं। इन अब ये यूज़ कर रहे हैं जी AI टूल, जो कि हर चीज़ हमारी जो है वो फ़िल्टर करके दे देती है। तो जैसे ही आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, ये वीज़ा जो है ये आपको उसी टाइम फिल्टर AI टूल जो है वो फ़िल्टर कर देता है कि इस आदमी को हमने वीज़ा देना है या नहीं देना। अब ये फ़िल्टर कैसे होता है? ये फ़िल्टर होता है जी मेन आपके लिंक्ड होते हैं पासपोर्ट के साथ AI टूल। अब पासपोर्ट आपका लिंक होता है आपका ID के साथ, जो नेशनल ID है। अब नेशनल ID जो है उसके साथ जो है ना सारी चीज़ें लिंक होती हैं। अब डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट होता है मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ सिंपल और आसान वर्ड्स में कि डाटा जो है वो AI टूल्स कैसे एक्सट्रैक्ट करता है। AI टूल्स जो है वो रिजेक्ट करता है आपके सोशल मीडिया हैंडल को, ठीक है। आप अपना सोशल मीडिया कैसे हैंडल कर रहे हैं, आप कोई भी अपने पोस्ट को लाइक और डिसलाइक और प्रोसेस कैसे कर रहे हैं, ये एक मेन कंसर्न है AI का कि आपका वो बिहेवियर जानता है कि आपको कौन सी चीज़ें पसंद हैं, कौन सी चीज़ें नहीं पसंद हैं। आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप YouTube पर जाते हैं और आप सर्च करते हैं हाउ इज़ दुबई और ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, तो आपको वो लिस्ट दे देता है। उसके बाद आप एक वीडियो पे क्लिक करेंगे तो दूसरी रिलेटेड वीडियो आएगी, तीसरी भी रिलेटेड वीडियो आएगी। तो आपको अब जो है वो क्लिक नहीं करना पड़ता है, लेकिन AI टूल क्या करता है, वो रिलेटेड वीडियो जो है कंप्यूटर जो है वो चलाई जाता है। तो इसका मतलब वो आपके बिहेवियर को जान लेता है। जब आप वर्ड्स लिखते हैं तो वर्ड्स बड़े ध्यान से लिखा करें सोशल मीडिया के ऊपर। मेन जो रिजेक्शन का इशू आ रहा है वो है जी पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए, और वो ये है कि हम अपनी सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, उसके बाद टिकटॉक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर हम गवर्नमेंट के ऑपोजिट पोस्ट लगाते हैं, और वो जो चीज़ें हैं वो हमारे AI टूल जब हम वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। वो एक्सट्रैक्ट कैसे करता है मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। आपका पासपोर्ट नंबर लिंक्ड होता है एमरस ID के साथ, या आपका पासपोर्ट लिंक होता है जी पाकिस्तानी ID के साथ। अब पाकिस्तानी ID के साथ आप जब मोबाइल नंबर लेते हैं तो आप पाकिस्तानी ID प्रेजेंट करते हैं तो फिर आपको नंबर मिलता है, और जो आपका नंबर है वो आपका लिंक होता है Gmail के साथ, आपके सारे कॉन्टैक्ट्स के साथ, आपकी सारी डिटेल्स के साथ। अब अगर आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप अपना एक नंबर देते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, वो उसके थ्रू सारा AI टूल जो है वो एक्सट्रैक्ट करता है। तो मेरी बात ध्यान से सुन लें कि अगर आपको वीज़ा चाहिए
तो काइंडली अपने मुल्क के और अपने जहाँ पर आप रह रहे हैं उनके उनकी पोस्ट लगाना बंद करें, उनको लाइक डिसलाइक करना बंद करें। ये मैंने आपको की जो है वीज़ा सक्सेसफुल की दे दी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको लेते हैं या आप उसको ड्रॉप करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ लेके आ सकूँ।